हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय टू चैनल। सो मैं हूं आकाश पांडे, आप देख रहे हैं यूनिक सिले मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग दोस्तों? एक कॉमन क्वेश्चन कई ढेर सारे डिप्लोमा होल्डर और बीटेक के बच्चे बहुत पूछ रहे थे, मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे स्टार्टिंग करनी है, तो स्टार्टिंग में सभी जगहों पर हमें ड्राफ्टमैन की जॉब ही दिखाते हैं, क्या हमें वो ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? प्लस ड्राफ्टमैन की जॉब के लिए जाएंगे तो क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, इसके बारे में आज के वीडियो में बताने वाला हूं। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी उनके लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हो सकती है। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटो कैड स्टैट प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। चलिए थैंक यू, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहली चीज, अगर आप ड्राफ्टमैन के लिए जॉब के लिए जा रहे हो तो ये सबसे बिगनिंग लेवल की प्रोफाइल होती है, इस चीज को ध्यान रखो। अब इसमें दो तरह के ड्राफ्टमैन होते हैं, एक होता है आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन, एक होता है स्ट्रक्चर ड्राफ्टमैन। अगर आपको अपना जो करियर है वो आगे स्ट्रक्चर के फील्ड में लेके जाना है, लाइक स्टैट, ईटैप्स, इन सब फील्ड में जाना है, तो आपके लिए बेटर होगा कि आप स्ट्रक्चरल ड्राफ्टमैन की प्रोफाइल को चूज करिए। अगर आपको आगे अपना करियर मॉडलिंग के प्रोफाइल पे लेके जाना है, अच्छे अच्छे 3D व्यूज के प्रोफाइल पे लेके जाना है, तब आपको आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन की प्रोफाइल पर ले जाना चाहिए, ठीक है? आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन की प्रोफाइल पर अगर काम करोगे तो आपको ग्रोथ होगा। तो उसी सेक्टर में ड्राफ्टमैनशिप ज्वाइन करो। ड्राफ्टमैन एक मतलब होता है एक इजी स्केच करने वाला इंसान। अगर मैं एक इंजीनियर हूँ, बड़ा इंजीनियर हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मेरा काम थोड़ा इजी हो जाए, मैं किसी को बोलूँ वो समझ के कुछ प्लानिंग कर दे, इसी को बोलते हैं ड्राफ्टमैन, ठीक है? तो आप ड्राफ्टमैन के लिए क्या क्या चीजें पढ़ के जानी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ऑटो कैड कंपल्सरी है, क्योंकि उसके बिना तो ड्राफ्टमैन का कोई काम अब हाथ से तो करोगे नहीं। तो ऑटो कैड में क्या क्या जरूरी है, मैंने बहुत ढेर सारे वीडियोस बताए हुए हैं कि व्हाट आर द की पॉइंट्स इन ऑटो कैड और क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए। ऑटो कैड में एक्सरेफ कमांड है, ओवरकिल कमांड है, पर्ज कमांड है, लेयर्स है, ब्लॉक है, ऑर्थो कमांड है, डायनेमिक यूसीएस है, ये सब बेसिक्स कमांड है जो आपको आने ही चाहिए। डायमेंशन की सेटिंग्स है और स्टैटिक ब्लॉक डायनेमिक ब्लॉक के बीच में डिफरेंस, ये सब को लिख डालो। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, इनको लिख लिख के अगर पढ़ोगे तब आपका काम अच्छे से होगा। तो ऑटो कैड का डीप नॉलेज कंपल्सरी है। ऑटो कैड के डीप नॉलेज के बाद जो दूसरी आपको चीज आनी चाहिए वो गाइज आना चाहिए अच्छी नॉलेज महारेरा रूल्स के। क्यों? क्योंकि रेरा के रूल्स नहीं पता तो आप गलत तरीके से प्लानिंग करके दे दोगे। तो महारेरा का रूल्स और बिल्डिंग बाय लॉ, ये दोनों चीज बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। जो भी मैंने अभी पीछे सेशंस लिए थे ऑटो कैड के, जो मैंने ऐप पे भी डाले हुए हैं, वो सारे सेशन में मैंने महारेरा का रूल पूरा एक घंटे में एक्सप्लेन किया था, एक घंटे में पूरा बिल्डिंग बाय लॉ एक्सप्लेन किया था। और इसके साथ वास्तु का रूल जानना जरूर ही है, मतलब वास्तु के रूल्स आपको जानना है, बिल्डिंग बाय लॉ जानना है और आपको जानना है महारेरा का रूल्स। ये तीन स्किल्स तो मिनिमम रिक्वायर्ड है। ऑटो कैड का बेस्ट नॉलेज उसके लिए 3-4 वीडियो मैंने बताया हुआ है, आप देख डालो क्या क्या चीजें आनी चाहिए, लिख के उनको प्रिपेयर कर दो। शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टमैन को क्या होता है, उसको काम जल्दी जल्दी करना होता है, तो ऑफसेट कमांड की क्या है शॉर्टकट की, मिरर कमांड की क्या शॉर्टकट की है, डायनेमिक यूसेज कमांड की क्या शॉर्टकट की है, ब्लॉक की क्या शॉर्टकट की है, 3D में जाने के लिए शॉर्टकट क्या है, एल लेयर्स बनाने के लिए शॉर्टकट क्या है, पर्ज कमांड की शॉर्टकट क्या है, ओवरकिल कमांड की शॉर्टकट क्या है, ये सब, ओवरराइड्स कमांड की शॉर्टकट क्या है, इनको अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो शॉर्टकट्स पढ़िए, ऑटो कैड का डीप नॉलेज लीजिए और उसके साथ ये तीन चीजें जो थ्योरी में बताया ये आना चाहिए। अब आपको अगर आप स्ट्रक्चर के लिए जा रहे हो तो ये तो गया आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन के लिए। स्ट्रक्चर ड्राफ्टमैन के लिए जा रहे हो तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि हम लेयर कैसे यूज करते हैं, उसमें भी लेपने वाला लेयर्स, उसके अलावा कवर किस चीज में कितना प्रोवाइड करते हैं ये पता होना चाहिए, रेक्टेंगुलर जो अगर कॉलम है तो उसके अंदर कितने बार्स प्रोवाइड करना चाहिए ये पता होना चाहिए, बीम में कैसे बार प्रोवाइड करने हैं ये पता होना चाहिए, क्रैंक बार कैसे प्रोवाइड करते हैं ये पता होना चाहिए, ये सारे चीजों का नॉलेज होना चाहिए। क्रैंक बार का यूज क्या होता है अगर ये जानते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप डिटेलर भी बन सकते हो। अगर यूज नहीं पता है तो एटलीस्ट आपको ड्रॉ करना तो जरूर आना चाहिए। लैपिंग क्या होती है, LD क्या होती है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ के जाओ, क्योंकि अगर आपको 3D में ड्रॉइंग आएगी, सॉरी स्टैट की ड्रॉइंग आएगी, तो स्टैट में ऐसे लिखा रहेगा तो आप समझ नहीं पाओगे डॉग लेग क्या होता है, आप नहीं समझ पाओगे कि स्टीरअप्स क्या होते हैं, टाइज क्या होते हैं, तो आप ड्राफ्टिंग कैसे करोगे, डिटेलिंग्स कैसे करोगे, समझ रहे हो? इसके लिए आपको ये सारे टर्म्स स्ट्रक्चर ड्राफ्टमेंट के लिए और ये सारे आर्किटेक्चर ड्राफ्टमेंट के लिए चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि आना क्या चाहिए, तो समझ में आ गया होगा, हो ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी बताया, वीडियो में लिख लीजिएगा एक टॉपिक और उनको पढ़िएगा।
और अगर आपको इसके स्टडी मटेरियल चाहिए तो मैंने यूनिक सिविल के ऐप पे स्टडी मटेरियल डाल रखा है ऑटोकैड का पूरा जाके वहां से आप ले सकते हो। इसके बाद इसकी सैलरी की अगर बात करूं तो इसमें जो सैलरी आपको मिलेगी स्टार्टिंग वो 10 to 12,000 से ही मिलती है। इसकी सैलरी कम होती है नो डाउट, बहुत मिलेगी 15,000 तक, इससे ज्यादा फ्रेशर्स को नहीं मिलेगी। जिससे आप एक्सपीरियंस होते जाओगे, आप स्ट्रक्चर ड्राफ्टमैन स्ट्रक्चर इंजीनियर की प्रोफाइल पर जल्दी चला जाता है, ड्राफ्टमैन वाला जल्दी से जल्दी 3D मॉडलर बन जाता है। जिससे आप दूसरी प्रोफाइल पर जाते हो, आपकी इनकम के अच्छे सोर्सेस बन जाते हैं और आप अच्छी सैलरी मतलब 25 to 30 की सैलरी लेने लगते हो। ये था कुछ ड्राफ्टमैन के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। बहुत दिन से ITI वाले बच्चे भी कर रहे थे, बिल्कुल ITI वाले भी जा सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी जा सकते हैं, BTech वाले भी जा सकते हैं। ये चारों प्रोफाइल तीनों प्रोफाइल सबके लिए आप जा सकते हैं और सब लोग अच्छे से काम करके अर्निंग कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर करिए। जय हिंद जय भारत।